अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज बना रही हूँ सिंपल स्टाइल में पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। मैं एक पैन में थोड़ा सा तेल डाली और प्याज और काजू, भीगे हुए काजू थे मेरे पास, तो काजू और प्याज को थोड़ा सा लाइट फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ देखिए, ये दही है, ये 100 ग्राम दही है, उसमें सूखे मसाले ऐड कर दूँगी मैं। ये हल्दी है, दही में हल्दी, मिर्ची, नमक, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर मिला दे रही हूँ मैं। मिला के इसका एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, पूरे मसाले में दही में डाल दी। और इसको अच्छे से मिला लूँगी तो एक स्मूथ सा पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए, थोड़ा सा काजू और प्याज चेंज हो गए कलर उसका। और इसमें मैं 2 टमाटे डाल रही हूँ, टमाटे भी थोड़ा फ्राई हो गए बाद से। और ये है पनीर, ये मैं ली हूँ 200 ग्राम पनीर है। और इसमें भी सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, ये सॉरी मिर्ची और नमक, इसको मैरिनेट करूँगी, मसाला अच्छे से मिल जाए। और थोड़ा सा तेल भी डाल दीजिए ताकि मसाला पनीर को चिपक जाए। मैं हाथ से मिला रही हूँ। ये देखिए, पनीर भी रेडी है और दही भी रेडी है, जो मसाले मैंने इसमें ऐड की थी। और यहाँ पर देखिए, टमाटे भी घुल गए। अब इसमें डालूँगी मैं 1 गिलास पानी। टमाटे, प्याज और काजू थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ा फ्राई करके इसको बॉईल करने का है, तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डाल के बॉईल कर रही हूँ। ये सारे चीज़ों को उबाल के इसका पेस्ट बनाने से अच्छा स्मूथ सा फ्लेवर आता है, खाने में टेस्ट आता है। फ्राई करने पे थोड़ा थिक थिक सा फील होता है। मैं शाही पनीर, कढ़ाई पनीर ये सब कुछ नहीं बना रही हूँ, एक सिंपल स्टाइल में पनीर बना रही हूँ। कभी शाही पनीर बनाऊँगी तो आपको शेयर करूँगी। और ये देखिए, पैन रख ली मैं फिर से, और इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। ये देखिए, एक पल्ली छोटा चम्मच, 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ मैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें मैं पनीर को फ्राई करूँगी। ये देखिए, तेल गरम हो रहा है। पैन में थोड़ा सा पानी रह गया था, उसमें मैं तेल डाल दी। तेल अच्छे से गरम हो गया, ये पनीर डाल रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए, आप अगर नॉन स्टिक में बनाएंगे तो चिपकेगी नहीं। और ये मैं ली कढ़ाई, इसमें भी डाली मैं तेल। ये देखिए, जो टमाटे, काजू, प्याज था उसको पेस्ट बना ली मैं ग्राइंड करके अच्छे सा। और इसमें तेल गरम होने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन को, ताकि उसका स्मेल चला जाए। और ये डाल रही हूँ मैं प्याज, काजू, टमाटे का पेस्ट। ये इसको अच्छे से भून ले। तो भूनने के बाद में मैं वो जो दही में जो मसाले डाल के रखी थी, वो दही इसमें ऐड करूँगी। इसका कच्चापन और इसका स्मेल चले जाए तब तक इसको थोड़ा सा भून लीजिए अच्छा तेल में। भून गए बाद से, ये देखिए, दही और मसालों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए, इससे क्या होता है, मसाला भी जलेगा नहीं,
दही में मसाले मिला के रखने की वजह ये है कि तब जब हम डालेंगे तो मसाले डालने डालने तक मिर्ची जल जाती है, कच्चापन रहता है। ऐसे डाल के फ्राई करेंगे तो अच्छा होगा। जब मसाला अच्छे से भुन जाए मैं उसमें हरा धनिया और पनीर ऐड कर दी, उसको भी थोड़ी देर सिम पे बना लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी ताकि पनीर में मसाले अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए और धनिया भी अपना फ्लेवर छोड़ दे। मैं इतने दिन से ब्लॉग भी नहीं डाली और रेसिपी भी शेयर नहीं की आपसे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दी होने की वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर सकी। इसीलिए प्लीज़ आप सब लोग, जितने लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें। थोड़े लोग हैं कि वीडियोस देख रहे हैं मेरे मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और यहाँ देखिए रुम्या आ गई, मैं अदनान को देखिए, अदनान के कामा कैसे चढ़ रहे हैं। वो पहले फर्श पे से गाड़ी में चढ़ गए, वो गाड़ी पर से सिंगरदान पे चढ़ रहे। ये देखिए अदनान के कामा। Thank you.